हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं नया टॉपिक लेकर। आज का हमारा टॉपिक है एक यात्रा यह भी, चैप्टर नंबर 11। रामदर्श मिश्र जी द्वारा लिखित यह एक कहानी है। आज हम कहानी पढ़ेंगे। प्रस्तुत कहानी एक रिक्शा वाले से संबंधित है। शिक्षित रिक्शा वाले के पास इंसानियत से भरा हुआ दिल है। वह संकट में पड़ी हुई एक युवती से विवाह कर लेता है। स्त्रियों के प्रति रिक्शा वाले युवक का मानवीय दृष्टिकोण और उसके रिश्ते में रिक्शे में सवारी करने वाले पति पत्नी से उनकी आत्मीयता हमारा दिल छू लेती है। तो लेखक रामदर्श मिश्र जी ने यह कहानी लिखी है। तो रामदर्श मिश्र जी का संक्षिप्त परिचय हम प्राप्त करेंगे, फिर हम कहानी पर जाएंगे। रामदर्श मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपके बहुचर्चित उपन्यास हैं जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर। आपकी कविताओं संग्रह में बैरंग, बेनाम चिट्ठियां, पक गई है धूप, जुलूस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह हैं। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियां तथा मेरी प्रिय कहानियां, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। प्रस्तुत कहानी एक यात्रा यह भी रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन की घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयतापूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो चले फ्रेंड्स कहानी की ओर। लेखक एक दिन यात्रा पर जा रहे थे। अब लेखक अपनी संस्मरण जो भी हैं यात्रा में उनके साथ कैसी यादें, कैसी घटनाएं हुई थी, कैसे रिक्शा वाला उनको मिला, उसके साथ लेखक का क्या क्या हुआ, यही उन्होंने इस कहानी द्वारा हमें बताया गया है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। लेखक कहते हैं, मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। भीरू यानी डरपोक, यानी यात्रा करने से लेखक डरते हैं। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से। नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। यानी लेखक यात्रा भीरु हैं, यात्रा करना उन्हें पसंद नहीं है, डरते हैं, लेकिन इस बार उन्हें जाना पड़ा। और सबसे डर उन्हें ऐसे रिक्शा वालों से लगता है कि नए शहर में वो अंट शंट किराया मांग लेते हैं। अब जाना तो पड़ेगा ही। तो एक दिन लेखक जाते हैं, तो देखते हैं आगे। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ ही, इसलिए आश्वस्ती बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहीं जाएंगे ही और कोई ऑटो करेंगे ही, तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया। उसके द्वारा बताए गए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉल बेल बजाई। ज्ञात होना यानी पता हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है।
ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार करता रहा, हमें नई जगह पर पहुंचा दिया। मैंने पूछा कितने पैसे दे दूं? बाबूजी जो इच्छा हो दे दीजिए, वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया होगा ना? उसने पूछा, बाबूजी यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है। वह कुछ बोला नहीं। हम डॉक्टर के पास चले गए। घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था। अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है। वह हमारे भीतर घर करता गया। होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपको जहाँ जाना होगा ले चलूँगा। वैसे यहाँ कब तक हैं? कल शताब्दी से लौटेंगे, तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे। ठीक है बाबूजी। यह रहा मेरा मोबाइल नंबर, मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा। अरे तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मोहन। मोहन अच्छा नाम है। तो फ्रेंड्स देखा कितना ईमानदार रिक्शा वाला है। और आजकल जो रिक्शा वाले हैं ऐसे नहीं है। और यह रिक्शा वाला पढ़ा लिखा है और उसके पास मोबाइल भी है। सोचिए, तो ये कहानी बहुत पुरानी नहीं है, आज के समय की है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आज सबके पास उपलब्ध है। तो लेखक अपनी पत्नी के साथ ग्वालियर में एक डॉक्टर से मिलने आए थे। स्टेशन पर उतरते ही कई ऑटो वाले उसके पीछे पड़ गए। उनसे एक ऑटो वाले की आवाज़ ने लेखक को आकर्षित किया। उसके ऑटो पर बैठकर वह डॉक्टर के क्लिनिक पर पहुंचा तो पता चला कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। उस ऑटो पर सवार होकर लेखक डॉक्टर की नई जगह पहुंचा। ऑटो वाला बाहर उसका इंतज़ार करता रहा। एक घंटे बाद लेखक बाहर आया तो अपना इंतज़ार करते ऑटो वाले को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसे लगा कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वालों से अलग है। ऑटो वालों ने अपना नाम मोहन बताया और उसने लेखक को अपना फ़ोन नंबर भी दिया। तो फ्रेंड्स पॉसिबल है आज के समय में ऐसा ऑटो वाला, और वो भी नए शहर में, उल्लू बना देते हैं, है ना, और अंट शंट किराया भी लेते हैं। लेकिन ये रिक्शा वाला ऐसा नहीं है। तो कैसा है आगे देखते हैं। दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया। वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाता गया। मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा। घूम घुमा कर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया। वह बहुत संकोच के साथ आया। चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई। पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ भर आया। भर आना यानी उसके आंखों में आंसू आने लगे, इसलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए, बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ, कोई नौकरी खोज रहा था कि, यानी रिक्शा वाला लेखक के साथ होटल में आता है और जहाँ ठहरा था वहाँ दूसरे दिन उसे शहर घुमाना था। मोहन होटल पर आया तो लेखक ने उसे भी चाय पीने के लिए अपने कमरे में बुला लिया। और बातचीत में मोहन लेखक को बाबूजी और उसकी पत्नी को अम्मा कहकर संबोधित करता था, क्योंकि शायद उसके माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। उसने लेखक को बताया कि वह आगरा का रहने वाला है, उसके माँ बाप तो उससे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे, बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी,
वह बीए पास है फ्रेंड्स, बीए पास, बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट होकर भी ये रिक्शा चला रहा है। वह नौकरी की खोज में ग्वालियर आया था, यानी ऐसा कुछ हुआ होगा उसके साथ जिससे उसे रिक्शा चलानी पड़ी। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि आगे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ होगा जो ये इतना पढ़ा हो लिखा होकर ग्रेजुएट होकर रिक्शा चला रहा है या रिक्शा चलाना पड़ रहा है उसे। चलिए आगे देखते हैं। एक चुप्पी सी छा गई, हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। अवांछित यानि जिसे सोचा ना हो ऐसी घटना। उसे छेड़ा नहीं किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि एक दिन भटक कर लौट रहा था, रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई, बदहवास सी, घिघियाती हुई बोली, घिघियाती यानी डर कर घबराती हुई बोली, मोहन मुझे बचा लो। क्यों क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। अधेड़ यानि आधी उम्र से ज़्यादा, यानि वो बड़ी उम्र वाला व्यक्ति था, उसके हाथ इस लड़की के माँ बाप इसे बेच रहे थे। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूँगी किंतु उस खड़ूस अधेड़ के साथ नहीं जाऊँगी। अब देखा फ्रेंड्स, इसके साथ यह घटना हुई। मोहन ने बताया कि वह नौकरी की खोज में इधर उधर भटक रहा था, तभी एक घटना घटी, एक परिचित लड़की ने उसे आवाज़ दी और अपने को बचाने के लिए सहायता मांगी। लड़की के पिता उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर रहे थे। लड़की को उससे शादी करने की अपेक्षा कुएं में गिरकर जान देना पसंद था। अब आगे क्या होता है देखते हैं। मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, क्या करूं, कर भी क्या सकता हूं। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए, स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन नहीं पुलिस स्टेशन, वहां उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देना देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी चुप्पी के बाद वे एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई है? मैंने न में सिर हिलाया तो बोले, तुम इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, चकरा जाना यानी सोच विचार में पड़ गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इससे बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा तो उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन, यानी अब दोनों की हाँ हो गई है, लेकिन कोई समस्या है? तो फ्रेंड्स हुआ यूं, मोहन लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन गया और थानेदार को सारी बात बताई। उसने मोहन से कहा, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? लड़की मोहन से शादी करने को तैयार थी, लेकिन कुछ समस्या आ गई और लड़की के माँ बाप को FIR उसके नाम लिखकर उसे हवालात में बंद कर देना ठीक समझा। FIR यानी फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो थाने में पहली बार जाता है, कोई क्राइम रिपोर्ट या कोई रिपोर्ट लिखवानी होती है तो उसे FIR कहते हैं, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। तो आगे देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ। तो मोहन सोच रहा है, बाबूजी लेकिन यह कि भाभी की अपनी बहन से मेरी शादी करवाना चाहती रही, बात तय हो चुकी थी। फिर अब हुआ यूँ कि मोहन की भाभी उसकी शादी अपनी बहन से करवाना चाहती थी, भाई का भी नाराज़ होने का डर था, लड़की के माँ बाप भी उस पर अपनी लड़की भगा ले जाने का केस कर सकते थे, तो मोहन इसलिए सोच रहा था। फिर लेकिन हाँ,
अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वही बेच दिए जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी नाराज़ हाँ होंगे ही, इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ ही दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ, लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। 15 दिन के बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी। यानी जो थानेदार था उसने उस लड़की को कुछ दिन के लिए नारी निकेतन में रखवा दिया और लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख ली और 15 दिन के बाद लड़की की शादी मोहन से करवा दी। यह बात मोहन लेखक से कह रहा है और लेखक कहते हैं, मैंने कहा, मोहन ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं, मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है, लगता है कथा सुन रहा हूँ। लेखक को यह कहानी सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है, पर यह सही है। आगे देखते हैं। आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है, कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती हैं। हाँ तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ता ही है। हाँ तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और अपने घर से निकाल दिया। एक तो मैंने उनकी साली के साथ शादी नहीं की, दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है। तो तुम लोग ग्वालियर आ गए। हाँ बाबूजी, आगरा में हमारा निभाव होना कठिन था और पराए शहर में भले ही कोई अपनापन न हो, किंतु यह परायापन उस अपनेपन से अच्छा है ना, जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे। यह बात उन्होंने लेखक से बताई। हाँ सही कह रहे हो, तो यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी के सहारे चल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, पता चला, मोहन ने लेखक को बताया कि उसने भाई भाभी की मर्जी के विरुद्ध शादी की थी और लड़की भी दूसरी जाति की थी, इसलिए भाई ने उसे घर से निकाल दिया। तब आगरा में उनका रहना मुश्किल था, इसलिए वह पत्नी के साथ ग्वालियर आ गया। यहाँ कोई नौकरी न मिलने पर उसने ऑटो चलाना शुरू कर दिया। फ्रेंड्स, समझ में आया कि ये ग्रेजुएट होकर रिक्शा वाला कैसे बना? तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिख रहे हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की को दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया। तो लेखक मोहन से कहते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं कि लेखक ने मोहन की प्रशंसा करते हुए कहा, वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन, बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, लेख कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु उसे अपने व्यवहार में नहीं उतारते। लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक जोड़ दिया। आगे देखते हैं। मोहन की यह कहानी हम पर छा गई, लेखक और उसकी पत्नी पर, और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया। गाड़ी का समय हो रहा था, मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया और उसे मैं 500 रुपए का नोट देने लगा। वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी। अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़े ही दे रहा हूँ। पारिश्रमिक यानी परिश्रम का, मेहनत का। बाबूजी मैंने माँ बाप का प्यार नहीं पाया, कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं, इस सुख के आगे पैसे का तो कोई मोल नहीं है।
पैसा तो और लोगों से कमा ही लेता हूँ बेटे, लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वह 500 रुपए का नोट लेकर 300 रुपए वापस करने लगता है। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। हाँ, जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला ले लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही। अब मोहन वापसी में लेखक दंपति को स्टेशन पहुंचाने आया। लेखक ने उसे 500 रुपए का नोट देना चाहा। उसने कहा, आप दोनों से मुझे माता पिता जैसा प्रेम मिला है, यह सुख मेरे लिए पैसों से बढ़कर है, लेकिन मेरी एक शर्त है। लेखक एक शर्त रखते हैं मोहन के साथ। वह क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उससे 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, और जैसे कह रहा हो, यह कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी? कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूं क्या? परमिशन मांग रहा है। हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं सत्यकेतु और पत्नी है कामना। लेखक का नाम सत्यकेतु और उसकी पत्नी कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितना अपनापन लिए हमें निहारता रहा। तो मोहन ने लेखक से प्रार्थना की कि जब कभी वे ग्वालियर आए तब उसे अवश्य बुला लें। इस पर लेखक ने कहा कि यदि वह 500 रुपये लेगा, स्वीकार करे, तो ही वे उसका आग्रह मानेंगे। अंत में मोहन ने 500 रुपये लिए। उसके पूछने पर लेखक ने उसे अपना नाम सत्यकेतु और पत्नी का नाम कामना बताया। विदा होते समय लेखक ने मोहन की आंखों में गहरा अपनापन देखा। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गई है कहानी कि रिक्शा वालों के भी दिल होते हैं, अपनापन होता है, ऐसे नहीं, सब एक जैसे होते नहीं हैं। तो इस रिक्शा वाले सबसे डिफरेंट है ना, अलग है ना, इसकी कहानी से हमें पता चल रहा है कि ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से जुड़े कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। यात्रा भीरु, यात्रा से डरने वाला। अंट शंट, मर्जी में आए ऐसा निरंकुश। आश्वंती यानि आश्वासन, तसल्ली। वांछित, इच्छा अनुसार। इंतजार, प्रतीक्षा। वाट, राह। अतिरिक्त, उपरांत। छेड़ना, उकसाना। खुसट, अप्रिय। अधेड़, आधेड़ उम्र का प्रौढ़। हवालात यानि जेल। अहम बात, मुख्य बात। प्रीतिकर, मन भावन। संवेदना, पीड़ा। मसीहा, देवदूत। उबारना, बचाना, बाहर निकालना। अब इस पाठ में आए हुए कुछ मुहावरे भी हम देख लेते हैं। पाला पड़ना, संबंध जुड़ना। चुप्पी सी छा जाना, शांति छा जाना। असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ना। क्या करूं, क्या न करूं, ये समझ में न आना। निभा होना, घर खर्च निकालना। उद्विग्न करना, पीड़ा देना। तो फ्रेंड्स, यह कहानी समझ में आ गई, मानवीय संवेदना से भरपूर। और रिक्शा वाले मोहन के चरित्र द्वारा ये भी पता चला कि रिक्शा वालों में भी संवेदना होती है। संवेदना यानी दूसरों की पीड़ा समझना। तो लेखक के जीवन में यात्रा में ऐसा रिक्शा वाला आया जो मानवीय संवेदना से परिपूर्ण था, और उसने स्त्री सम्मान की भी बात बताई। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। ओके, बाय बाय।